हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिद्धि सिद्धि व्लॉग्स। और आज हम लोग हैं श्री राम जी की नगरी अयोध्या में। इस समय हम लोग सुग्रीव किला के सामने खड़े हैं। जैसा कि माना जाता है, यहाँ पे आजकल एक नई पार्किंग की व्यवस्था करी गई है, जो कि सरकार द्वारा स्वचालित है और पूर्णतः मुफ्त है। आप इसका आके लाभ उठा सकते हैं। इसके पीछे हम यहाँ से जन्मभूमि के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो पूरा राम जन्मभूमि का इलाका है। यहाँ पे ही करंट सिचुएशन में इसमें नया मंदिर की स्थापना की गई थी और यहाँ पीछे सारा कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। श्री राम, लक्ष्मण जी और उनके दोनों भाई, ये चारों एक परमानेंट टेंट पीछे बनाया गया है जहाँ पे उनकी स्थापना करी गई है। ये एक टेम्प्रेरी व्यवस्था बना के रखी गई है। आप जो मेरे पीछे जगह देख रहे हैं, यहीं से होकर वो रास्ता आता है जहाँ पे हमें उनके दर्शनों के लाभ मिलते हैं, क्योंकि वहाँ अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। तो हम यहाँ पे ही अब लॉकर रूम्स की व्यवस्था बनाई गई है जहाँ पे आप अपने सामान और मोबाइल और बाकी साजो सामान रख सकते हैं। वो सामान रख के आप अंदर दर्शन करके वापस आके अपना सामान कलेक्ट कर सकते हैं। इस समय हम दर्शन करके आ चुके हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। प्रभु श्री राम और उनके चारों भाई बाल रूप में स्थापित किए गए हैं। वहाँ पे दर्शन के लाभ के बाद अब हम आगे एक मार्केट आता है, हम उसकी तरफ चल पड़े हैं। इस मार्केट से आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत ही सुंदर और आत्मविभोर कर देने वाले दर्शन थे। मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हम उधर से आगे बढ़े तो ये पूरा मार्केट एरिया आपको नज़र आएगा। आप यहाँ पे अपने हिसाब से मार्केटिंग कर सकते हैं। इधर से करीब 100 मीटर की दूरी पे हमें श्री दशरथ किला नज़र आया। हमें बताया गया है कि वहाँ पे भी दर्शन हो सकते हैं श्री दशरथ किला के, और उससे कुछ ही दूरी पे हमें श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन होंगे। तो हम उसी तरफ ही चल पड़े हैं। रास्ते में हमें बहुत ही सुंदर और अति विशिष्ट झांकियों के दर्शन हुए। यहाँ आपको रास्ते में कई जगहों पे इस तरीके की झांकियाँ मिलेंगी जो आपका मन विभोर कर देंगी। ये दशरथ जी का महल है। अब हम श्री दशरथ जी के महल की तरफ पहुंच रहे हैं। ये इन कुछ स्थानों में से है कि जब भी आप अयोध्या आएं, आपको इनके दर्शन ज़रूर करने चाहिए। समय कम होने की वजह से हम अंदर तो नहीं जा सके, पर आपको इसका एक व्यू दिखा देते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम श्री हनुमानगढ़ी की तरफ चल पड़े हैं। यहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पे ही श्री हनुमानगढ़ी मंदिर स्थापित है। जब श्री राम जी ने अयोध्या छोड़ सरयू नदी में वास करने का निर्णय लिया, तो उन्होंने श्री हनुमान जी से ये प्रार्थना करी, अपनी इच्छा जताई कि वो उनके वापस आने तक यहाँ पे विराजमान रहे और इस गद्दी का उन्हें राजा घोषित किया। आप जब यहाँ से गुजरेंगे तो आपको तांबे के बर्तनों की बहुत अच्छी वैरायटी यहाँ पे मिलेगी। यहाँ करीब करीब हर दुकान में आपको तांबे के पुराने बर्तन रीजनेबल रेट पे मिलेंगे। तो अगर आप इसके शौकीन हैं और इसके जानकार हैं तो आप यहाँ पे आके इन चीज़ों को खरीद सकते हैं।
श्री हनुमान गढ़ी की तरफ पहुंचते ही हमें वहां पे एक संपूर्ण मार्केट स्थापित हुई दिखी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रसाद के लिए, जैसा कि किसी भी आम हनुमान मंदिर के सामने, बेसन के लड्डुओं का प्रसाद और इत्यादि सब कुछ आपको व्यवस्थित मिलेंगे। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पे अपना प्रसाद प्रभु को अर्पण कर सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं कि श्री हनुमान गढ़ी मंदिर किस प्रकार स्थापित है। चलिए चलते हैं अंदर श्री हनुमान गढ़ी मंदिर को अंदर से देखने के लिए। श्री हनुमान जी के दर्शन के लिए आ चुके हैं। आप अगर मेरे चारों तरफ का दृश्य देखेंगे तो ये मन को सुकून देने वाला और भगवान श्री राम के नाम का जाप मन को ऐसी शांति और भाव विभोर कर देता है। चारों तरफ श्री राम का ही नाम जपा जा रहा है। यहाँ पर कई दीवारों पर श्री हनुमान श्री बजरंग जी की आरती स्थापित करी गई है और उसके अलावा कई लोगों ने अपने स्वर्गियों के नाम पर उन्होंने यहाँ पे पत्थर लगवाए हैं। यह दृश्य मन विभोर कर देने वाला है। हम इस समय भगवान के दर्शन करके बाहर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत ही आनंदमय समय था। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ से प्रभु के गुण गाने के लिए 2400 घंटे यहाँ प्रभुजन की आरती की जाती है। आप भी यहाँ के दर्शन अवश्य करिए। ये नाम है बिना इंजीनियर के अगर लगती है ना ये क्या कुछ ना ये और ना ऐसा या
हम फैज़ाबाद और अयोध्या को जोड़ने वाले पुल के ऊपर खड़े हुए हैं और यहाँ से सरयू नदी का आनंद सूर्यास्त के वक्त लेते हुए आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर नज़ारा है। ब्यूटीफुल। यहाँ से आप श्री राम घाट के दर्शन भी कर सकते हैं। अभी हम कुछ देर में वहाँ पे चलेंगे। ये कह सकते हैं हम लोग कि ये यहाँ का फोर स्पॉट है। यहाँ लोग आके अपनी गाड़ियों से या बाइकों से रुक के फोटोग्राफी करते हैं और यहाँ के व्यू का लाभ उठाते हैं। भाई आप देख सकते हैं कि सरकार द्वारा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे मोटर बोटिंग की व्यवस्था भी करी हुई है। बहुत से टूरिस्ट यहाँ पे घाटों में नीचे जाके इन मोटर बोटिंग का लाभ उठाते हैं और ये काफ़ी रीजनेबल और सस्ते रेट पे आपको मिल जाती है। अब हम चलते हैं घाट की तरफ। हम इस समय लक्ष्मण घाट की तरफ आ चुके हैं और आपको देख सकते हैं कि कितने सारे सुंदर बोट्स यहाँ से गुजर रहे हैं। शाम के समय सरयू घाट पर होने वाली आरती मन विभोर लेती है। बहुत ही दार्शनिक और सुंदर आरतियां होती हैं। रामनवमी और दीपावली के दिन तो लाखों की संख्या में लोग आसपास के एरिया से आके यहां पे सरयू नदी के दर्शन और प्रभु श्री राम के दर्शन करके जाते हैं। ये जगह अयोध्या बस स्टैंड से करीब 700 मीटर की दूरी पे और रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आप इसको आराम से आके दर्शन कर सकते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि राम की पैड़ी भगवान श्री राम ने बनवाई तब जब एक बार भगवान श्री लक्ष्मण ने उनसे आग्रह किया कि वह सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन करना चाहते हैं, तो भगवान श्री राम ने राम की पैड़ी बनवा कर उन्हें ये बताया कि जो भी संध्या के समय यहाँ सरयू नदी में राम की पैड़ी से दर करेगा और यहाँ पे स्नान करेगा उसे सभी तीर्थ स्थानों का फल मिलेगा और सभी भगवान शाम के समय इसी राम की पैड़ी की तरफ आके यहाँ पे दर्शन करते हैं। कम होने की वजह से हम सभी जगहों का दर्शन तो नहीं कर पाए, पर आपको ये मैं सलाह ज़रूर दूंगा कि जब भी आप अयोध्या आएँ तो करीब 2 दिन का समय निकाल कर आएँ। नागेश्वर मंदिर और कनक मंदिर जो हमसे मिस हो गया वो आगे की एपिसोड में हम ज़रूर कवर करना चाहेंगे। कभी फ्यूचर में हम यहाँ पे दर्शन करने आएँ तो ज़रूर हम इस एरिया को कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग रिद्धि सिद्धि व्लॉग्स। हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।